Good morning students, welcome back again in anatomy lecture. In the last video we have discussed about the humerus, its features. In features we have already studied the upper end and the shaft, what are the borders and what are the surfaces situated in the shaft region and what are the parts which are situated in the upper end. Now in today's section we'll discuss about the lower end. Okay, so every long bone has three parts, an upper end, a shaft and a lower end. So lower end आज हम discuss करेंगे. Lower end कैसा होता है humerus का? Lower end of the humerus forms the condyle which is expanded from side to side and has articular and non-articular parts. मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने साइड डिटर्मिनेशन बताई थी, साइड डिटर्मिनेशन बताया था मैंने कि ह्यूमरस का जो अपर एंड होता है वो राउंडेड होता है और जिसका लोअर एंड होता है वो इट इज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड. आप ये देखेंगे तो ये जो लोअर एंड होता है ये क्या होता है, साइड टू साइड जो है वो एक्सपेंडेड है और अपर एंड कैसा है, राउंडेड है. तो हम लोअर एंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है, चौड़ा फैला हुआ है ये. और इसमें दो पार्ट हैं, आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर. नीचे हमारे फोर आर्म में दो बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना. तो रेडियस और अल्ना इनके साथ जो पोर्शन आर्टिकुलेट करता है उसे बोलते हैं आर्टिकुलर पार्ट, और जो नहीं आर्टिकुलेट करता वो होता है हमारा नॉन आर्टिकुलर पार्ट. तो आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर दो पार्ट्स होते हैं, तो सब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. तो आर्टिकुलर पार्ट में क्या होता है, दो पार्ट्स आते हैं आर्टिकुलर पार्ट में, कैपिचुलम और ट्रोक्लिया. सो व्हाट इज कैपिचुलम, इट इज़ अ राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस. आई विल शो यू व्हाट इज कैपिचुलम. दिस इज राउंडेड प्रोजेक्शन, यू कैन सी दिस, इट इज सिचुएटेड ऑन द लेटरल साइड. दिस इज अ राउंडेड प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड एज कैपिचुलम एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस. नीचे जो लेटरल साइड पे रेडियस बोन होती है फोर आर्म में, उसके हेड के साथ ये आर्टिकुलेट करता है. दूसरा जो आर्टिकुलर पार्ट होता है वो होता है ट्रोक्लिया. यू कैन सी दिस पुली लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा, ये क्या है, दिस इज ट्रोक्लिया. इट इज़ अ पुली शेप्ड, इट हैज़ अ पुली शेप्ड सर्फेस एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना. इसके नीचे अल्ना बोन होती है, अल्ना की जो ट्रोक्लियर नॉच होती है उसके साथ ही आर्टिकुलेट करता है. तो इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना. ओके, सो ये आप ध्यान रखेंगे. तो इसमें दो आर्टिकुलर पार्ट में दो चीज़ें आएंगी, एक कैपिचुलम और दूसरा ट्रोक्लिया. कैपिचुलम आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस एंड दिस ट्रोक्लिया इट इज़ अ पुली शेप, इट हैज़ अ पुली शेप सर्फेस एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना. ये रेडियस के हेड के साथ और ये ट्रोक्लिया जो है वो अल्ला की ट्रोक्लियर नॉच के साथ, उसका नाम ही ट्रोक्लियर नॉच है क्योंकि ये ट्रोक्लिया के साथ आर्टिकुलेट करता है. तो ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ला के साथ ये आर्टिकुलेट करता है, ठीक है. तो ये कैपिचुलम हो गया और ये क्या हो गया, ट्रोक्लिया हो गया. तो ये था आर्टिकुलर पार्ट. अब आते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट पे. नॉन आर्टिकुलर पार्ट में सबसे पहले आता है मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल. दूसरा आता है लेटरल एपिकोंडाइल. तीसरा आता है लेटरल सुपराकोंडाइलर रिज. चौथा है मीडियल सुपराकोंडाइलर रिज. और तीन फोसाज होते हैं, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा एंड ओलेक्रेनॉन फोसा. तो आपको ये सेवन पॉइंट्स याद रखने हैं. जैसे मैंने अपर एंड में आपको सेवन पॉइंट्स के रूप में मैंने आपको याद करवाया था, अपर एंड में एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ. जैसे हेड था, तीन नेक थी, और क्या था उसमें, दो ट्यूबरकल्स थे, ठीक है, और एक इंटरट्यूबरकुलर सल्कस था जैसे बाइसेप्टल ग्रूव. तो इस प्रकार से सेवन स्ट्रक्चर्स हमने अपर एंड में पढ़े थे. ऐसे ही लोअर एंड में जो है वो हमारे सेवन स्ट्रक्चर्स हैं. एक तो ये हो गया ये मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है, इट इज़ अ प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन विच इज़ सिचुएटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड, ठीक है, ये दिस इज़ द मीडियल एपिकोंडाइल. और ऐसे ही एक जो प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन जो लेटरल साइड पे है, ये दिस इज कॉल्ड एज लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है. मीडियल एपिकोंडाइल, इट्स अ प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन विच इज़ सिचुएटेड ऑन द मीडियल साइड एंड अ प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन विच इज सिचुएटेड ऑन द लेटरल साइड इज कॉल्ड एज द लेटरल एपिकोंडाइल. एंड ये जो लेटरल एपिकोंडाइल है, आप देख सकते हो कि मीडियल एपिकोंडाइल थोड़ा बड़ा है और जो लेटरल एपिकोंडाइल है वो थोड़ा छोटा है. तो मीडियल एपिकोंडाइल ये ज़्यादा बड़ा होता है और ये बाहर की तरफ निकला हुआ है. इट इज़ सबक्यूटेनियस, यू कैन ईजिली फील ऑन द मीडियल साइड ऑफ योर एल्बो. सो दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल. इट इज़ मच लार्जर देन द लेटरल एपिकोंडाइल एंड इट इज़ सबक्यूटेनियस. इट कैन बी ईजिली फेल्ट ऑन द मीडियल साइड ऑफ योर एल्बो एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड. The lateral epicondyle, it is also a prominent bony projection, but it is smaller than the medial epicondyle. And इसके ऊपर एक muscular impression भी होता है,
ठीक है, यहाँ पे एक मस्कुलर इंप्रेशन भी होता है, ये याद करना है आपको क्योंकि इसके ऊपर मसल अटैचमेंट आएगी। तो ये हो गया लेटरल एपिकोंडाइल और दूसरा हो गया हमारा मीडियल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, नाउ दो तो हो गए एपिकोंडाइल्स, दो हैं हमारी सुप्राकोंडाइलर रिज। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो मीडियल बॉर्डर और जो लेटरल बॉर्डर होता है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये नीचे की तरफ थोड़ा शार्प होता है, इसे बोलते हैं मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। ऐसे ही लेटरल जो हमारा बॉर्डर होता है वो नीचे की तरफ थोड़ा शार्प होता है, ये लोअर एंड के पास आके, इसे बोलते हैं लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। दिस इज द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, ये है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज और ये है हमारा है मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो ये लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज और मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज जो है वो ये आ जाएंगी। ये जो प्रोमिनेंट दिख रहा है ना आपको, ये है मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज और ये है हमारा लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। ठीक है, तो ये दो रिजेज हो गई, तो दो एपिकोंडाइल्स हो गए, दो रिजेज हो गई और तीन फोसास। तीन फोसा कौन कौन से हैं? कोरोनॉइड फोसा और रेडियल फोसा और ओलिग्रोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड फोसा इज अ डिप्रेशन, आप देख रहे हो तीन गड्ढे हैं, एक ये गड्ढा है, एक ये है और एक पीछे की तरफ है ये। ठीक है, तो कोरोनॉइड फोसा क्या होता है? कोरोनॉइड फोसा इज अ डिप्रेशन, दिस इज द कोरोनॉइड फोसा जो ट्रोक्लिया के ऊपर सिचुएटेड है। ट्रोक्लिया का ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ट्रोक्लिया के एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोरोनॉइड फोसा। और रेडियल फोसा इट इज़ अ डिप्रेशन विच इज़ सिचुएटेड जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैपिचुलम। तो ट्रोक्लिया के एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर जो फोसा प्रेजेंट होता है उसे कोरोनॉइड फोसा। ठीक है, सी टी याद कर लेंगे, सी फॉर कोरोनॉइड फोसा जो ट्रोक्लिया के ऊपर प्रेजेंट है। और ये जो होती है वो रेडियल फोसा होती है, रेडियल फोसा जो कैपिचुलम के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सी टी और सी आर आप याद कर लेंगे, सी फॉर कैपिचुलम और आर फॉर रेडियल फोसा। और पीछे की तरफ जो है वो ये ट्रोक्लिया के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर जो प्रेजेंट होता है एक फोसा, उसे बोलते हैं ओलेक्रोनॉन फोसा। ठीक है, सो देर आर थ्री फोसाज इन इट इन द लोअर पार्ट, इन द लोअर एंड द फोसा। द फर्स्ट इज द कोरोनॉइड फोसा विच इज सिचुएटेड जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया। द सेकेंड इज द रेडियल फोसा विच इज सिचुएटेड जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैपिचुलम। एंड थर्ड वन इज द ओलेक्रोनॉन फोसा विच इज सिचुएटेड जस्ट अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया। ओके, सो देर आर सेवन पोर्शंस ऑफ द नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लोअर एंड। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, द लोअर एंड इट इज एक्सपेंडेड फ्रॉम side to side and it has two parts. We can study its parts in by dividing into two parts, the articular part and the non-articular part. The कौन सा पार्ट इसका बोन से आर्टिकुलेट करता है वो आर्टिकुलर पार्ट है, और दूसरा जो आर्टिकुलेट नहीं करता है और उसे बोलते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट। तो आर्टिकुलर पार्ट में दो चीज़ें आती हैं, एक कैपिचुलम और एक ट्रोक्लिया। कैपिचुलम इज़ अ राउंडेड, इट इज़ अ राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस। इट इज सिचुएटेड ऑन द लेटरल साइड एज द रेडियस इज सिचुएटेड ऑन द लेटरल एस्पेक्ट। ओके, नाउ द सेकेंड इज द ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया इज अ पुली शेप्ड स्ट्रक्चर which is situated, which articulates with the trochlear notch of the ulna. So it is situated on the medial side. So this is capitulum and this is trochlea. These two constitute the articular part of the lower end of the humerus. And next is the non-articular part. The non-articular part consists of seven parts. First is the medial epicondyle, which is much larger than the lateral epicondyle. It is a prominent bony projection which is situated on the medial aspect of the lower end. The next is the lateral epicondyle, prominent bony projection situated on the lateral aspect of the lower end, and you can see this, the medial epicondyle is much larger than the lateral epicondyle. So it is subcutaneous and you can easily feel this medial epicondyle on the medial side of your elbow. And the two ridges are there, the medial supracondylar ridge and the lateral supracondylar ridge. The medial and the lateral borders of the shaft gets prominent in the lower part, that is called as medial supracondylar ridge and lateral supracondylar ridge respectively. And the third is three fossas are there, the coronoid fossa which is situated just above the anterior aspect of the trochlea. Next is the radial fossa which is situated just above the anterior aspect of capitulum. And the third one is the olecranon fossa which is situated just above the posterior aspect of the trochlea. So these are the parts of the lower end. Okay, so we have discussed about the all the features of the humerus by dividing into two and three parts, the upper end, the lower end and the shaft. अपर एंड मैं दोबारा से एक बार जल्दी से जल्दी रिपीट कर दे रही हूँ। अपर एंड में आपको क्या, अगर अपर एंड इज़ इट इज़ राउंडेड टू फॉर्म द हेड एंड द हेड इज़ डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स।
और इसमें 7 पार्ट्स होते हैं, हेड होता है और 3 नेक होती हैं, एक हमारी एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक और मॉर्फोलॉजिकल नेक, एक लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल और बीच में इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। शाफ्ट में 3 बॉर्डर हैं और 3 सर्फेसिज हैं, 3 बॉर्डर में हमारा एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, और 3 सर्फेसिज में एंटीरो लेटरल सर्फेस, एंटीरो मीडियल सर्फेस एंड पोस्टीरियर सर्फेस विच इज़ हैविंग एन ओब्लिक रिज इन द अपर पार्ट एंड रेडियल फोसा, रेडियल ग्रूव इन द मिडल पार्ट एंड द लोअर एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कंडाइल एंड इट इज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। इट हैज़ टू पार्ट्स, आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट। द आर्टिकुलर पार्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द ट्रोक्लिया एंड द कैपिचुलम। द कैपिचुलम इज अ राउंडेड प्रोजेक्शन, ट्रोक्लिया इज अ पुली लाइक स्ट्रक्चर एंड द नॉन आर्टिकुलर पार्ट कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स लाइक द टू मीडियल, द मीडियल एपिकोंडाइल एंड द लेटरल एपिकोंडाइल, द टू एपिकोंडाइल्स, द टू रिजेस, द मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज एंड लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज एंड 3 फोसास, द कोरोनॉइड फोसा, द रेडियल फोसा एंड द ओलेक्रोन फोसा सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ओके, सो these are the features of the humerus and the next section we'll discuss about the attachments of the humerus. So till then, all the best and study it properly. It's a very important bone.